वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स आपका इसमें पार्ट 2 है आपका। हमने आपके पार्ट 1 में स्ट्रेस और स्ट्रेन, जिसमें E का आपका रिलेशन क्या था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ओके, जहां गामा इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू F अपॉन A डेल L अपॉन L। ये देखिए कोई लंबाई है, इसको हमने फोर्स लगाया तो लंबाई खींच के नीचे आ गई, जो आपकी चेंज इन लेंथ है वो आपकी क्या हो गई, डेल L, ओके। तो आपका स्ट्रेन में क्या आता है, डेल L अपॉन L। यहाँ से गामा का वैल्यू FL अपॉन A अपॉन डेल L, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, वो देखिए आप, एलॉन्गेशन डेल L ऑफ स्टील बार 1 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वैन सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ 1.5 × 10⁴ न्यूटन, जहां गामा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻¹ न्यूटन/मीटर² ओके। ये फोर ऑप्शंस हैं आपके, 0.1 mm, 0.3 mm एंड 0.5 mm, फोर्थ वाला है आपका 0.2 mm, ओके। गामा का आपका क्या था फॉर्मूला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन FL अपॉन A डेल L, यहाँ से डेल L आपको फाइंड आउट करना है, तो डेल L का वैल्यू आपको क्या आएगा, FL अपॉन A गामा। F का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, 1.5 × 10⁴ × 1, और L जो है वो 1 मीटर लॉन्ग था आपका क्वेश्चन में, 1 मीटर, एंड A इज इक्वल्स टू 1.5 × 10⁻⁴ एंड गामा 2 × 10⁻¹, ओके। 10⁴ से आपका, सॉरी 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया, 1/2, 4 की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 10⁸ माइनस 11, तो 10⁻³ मीटर, और हाफ का कितना हुआ, 0.5, ये आपका मीटर में है। मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3 और प्लस का 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डेल L इज इक्वल टू 0.5 mm, ओके स्टूडेंट्स। आप देखिए इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक का जो है, इसमें ये फॉर्मूला है आपका, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, या पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/2 × स्ट्रेस × स्ट्रेन, या पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/2 E × स्ट्रेन² बिकॉज ऑफ E इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो हम स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन रख सकते हैं, तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये अपन को ड्राइव करने हैं, ओके। डेरिवेशन, एनर्जी इज स्टोर इन अ स्ट्रेस वायर, ये हमने एक वायर ली, आपने फोर्स लगाई तो आपका जो लेंथ है वो नीचे खींच के आया, कितना आया, डेल L, दैट इज़ अ चेंज ऑफ लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ आपका आता है। आप फोर्स लगाते जाओगे वायर उतनी और ज़्यादा खींचती जाएगी, फोर्स लगाओगे और ज़्यादा तो और वायर खींचेगी, यानी कि ये फोर्स कैसी, आपकी वेरिएबल फोर्स। तो गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू FL अपॉन A डेल L, तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, गामा A डेल L अपॉन L, ओके। ये जो डेरिवेशन था, हमने ये दो वायर बनाए हुए थे, बीच में हमने एक और ये वायर लगाया है, जब हमने थोड़ी फोर्स लगाई तो डिस्टेंस आपको कितना शिफ्ट हुआ, x, फिर हमने और फोर्स लगाई तो और डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, डेल x, यानी कि फोर्स आपकी कैसी है, वेरिएबल है, फिर हमने और फोर्स लगाई तो डेल L शिफ्ट हुआ, तो लास्ट वाली जो रॉड पे आपकी डेल L है, यानी कि x जीरो से स्टार्ट हुआ, लास्ट वैल्यू आपकी वही है, क्या आई आपकी, x इज इक्वल्स टू डेल L। तो स्मॉल वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग वायर बाय dx अमाउंट व्हेन इट इज स्ट्रेच अप टू x अमाउंट, ओके। तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा, F × dx, ओके स्टूडेंट्स। तो इसकी जो ये आपकी जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये चेंज इन लेंथ हो रहा है आपका, स्टार्टिंग में जो हमने लेंथ फोर्स लगाया वो x शिफ्ट हुआ, फिर और लगाई तो डेल dx स्मॉल dx शिफ्ट हुआ, फिर और फोर्स लगाई तो आपका डेल L आया। तो स्मॉल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर बाय dx अमाउंट व्हेन इट इज स्ट्रेच अप टू x, x के अप टू, तो अमाउंट, तो वहां पे स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हुआ, F dx,
और फोर्स आपकी जितनी फोर्स लगाते जाओगे स्ट्रेचिंग उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि फोर्स आपका कैसा है, वेरिएबल है। यहाँ से गामा इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए एक्स, चेंज इन डायमेंशन एंड ओरिजिनल डायमेंशन। तो वर्क, अब पूरे इस रॉड का वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू अब एफ डी एक्स। एफ का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, गामा ए एक्स अपॉन एल डी एक्स, और इसकी लिमिट क्या है, जो एक्स की लिमिट है वो आपकी जीरो से स्टार्ट हो रही है और एंडिंग आपकी किस पे हो रही है, डेल एल पे। ओके स्टूडेंट्स, तो जीरो से डेल एल, गामा ए अपॉन एल लिमिट जीरो टू डी एल एक्स डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वायर एक बार लिमिट हम जीरो रखेंगे, एक बार डेल एल, जीरो पे जीरो पे तो वाली वैल्यू आपकी जीरो ही आएगी, डेल एल पे क्या हो जाएगा, डेल एल का स्क्वायर अपॉन टू। तो गामा ए अपॉन एल डेल एल का स्क्वायर अपॉन टू, और इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, एल अपॉन एल से क्या किया, मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी। तो ए एल डेल एल अपॉन एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर और हाफ। ये गामा क्या आपकी, इधर गामा और आएगा, गामा ए एल, ए एल गामा इधर लिखा हुआ नहीं है, जो रफ सा है वो आपका गामा ही है, गामा ए एल डेल एल अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू हाफ, ठीक है। अब वर्क डन कितना आया, गामा इंटू ए इंटू एल क्या होगा, ए आपका एरिया है, एल आपका एक लंबाई और आ गई, तो वॉल्यूम बन गया एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि वॉल्यूम इंटू चेंजिंग इन डायमेंशन और आपका ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि वो किसका होता है आपका, स्ट्रेन का। तो डेल एल अपॉन एल का स्क्वायर क्या होगा, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू हाफ। ओके, अब नीचे डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम की है, अब स्ट्रेन जो है, हमने स्ट्रेन आपका टू टाइम्स ऑफ स्ट्रेन है, एक स्ट्रेन हमने सेपरेट कर दिया और एक स्ट्रेन के साथ हमने गामा को रख दिया, तो जो गामा के साथ स्ट्रेन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेस के, क्योंकि ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो गामा इंटू स्ट्रेन किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस के, यानी कि हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी आपको, ये स्टार्टिंग में हमने एक फॉर्मूला लिखा था, ये वाला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हमको प्रूफ करना था। ये हमने इस डेरिवेशन से इस फॉर्मूले को क्या किया, हमने प्रूफ किया है, आपका क्या निकल गया है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। आप देखिए, अगर हम स्प्रिंग के लिए लेते हैं, स्प्रिंग आपकी है, स्प्रिंग को हमने खींचा तो डेल एल शिफ्ट हुआ, जिसकी आपकी लेंथ कितनी है, एल है, सॉलिड है, इसमें भी आपकी रिसोर्सिंग फोर्स आई, आपकी सॉलिड डेल एल शिफ्ट हुआ, तो वाई इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल एल। इसको ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, आपका एफ आर इज इक्वल्स टू के डेल एल, तो एफ आर यानी कि जो आपकी ये एफ आर है उसकी जगह हम के डेल एल लग सकते हैं, और जो एफ है वो आपका जो एफ है, नीचे देखिए हमने एफ इज इक्वल्स टू वाई ए अपॉन एल डी एल लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं एफ आर इज इक्वल्स टू एफ के इक्वल होगा, तो एफ आर की जगह हमने के डेल एल शिफ्ट रख दिया और एफ की जगह वाई ए एल अपॉन डेल एल, डेल एल से डेल एल दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आया आपका, गामा ए अपॉन एल, क्या आया, गामा ए अपॉन एल। ओके, एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रेचिंग स्ट्रेच स्प्रिंग इज इक्वल्स टू हाफ के डेल एक्स स्क्वायर, कितना होता है, हाफ के डेल एक्स स्क्वायर, हाफ के का वैल्यू आपका कितना निकला, गामा ए अपॉन एल, और डेल एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स का स्क्वायर, इधर भी हमने क्या किया, एल अपॉन एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, हाफ इंटू
गामा इंटू ए इंटू एल को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। ओके, ए इंटू एल को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। और ये क्या हो जाएगा, अब स्ट्रेन का स्क्वायर, डेल एल अपॉन एल का स्क्वायर होगा, तो उसकी जगह स्ट्रेन का स्क्वायर। एक स्ट्रेन को हमने बाहर निकाला, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, क्योंकि गामा इंटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेस, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, यही आपके ये एक स्प्रिंग वाला और एक वायर वाला, वायर वाला हमने अभी आपको ऊपर करवाया, और ये स्प्रिंग वाला भी आपका इसी मेथड से ही है, वही सेम आपका फॉर्मूला क्या हुआ, प्रूव हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, यही इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, और आपका चैप्टर भी ये वाला यही फिनिश होता है। ओके okay?